हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे DOL स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं और DOL स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग करने के लिए उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के घंटे को ज़रूर दबाएं। तो DOL स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है मैं बताता हूँ आपको। इसमें एक कॉन्टैक्टर लगता है, एक ओवरलोड रिल लगता है जो मोटर के प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, और एक NO पुश बटन लगता है और एक NC पुश बटन लगता है और एक MCB ब्रेकर लगता है। सबसे पहले हम MCB में न्यूट्रल और फेस सप्लाई दे देंगे। MCB के आउटपुट से एक फेस वायर निकालेंगे जो हमारा ओवरलोड रिले के 95 नंबर पॉइंट पे जाके जोड़ेंगे। दोस्तों, ओवरलोड रिले में 95 नंबर और 96 नंबर पॉइंट जो है वो NC का होता है। उसके बाद रिले के 96 नंबर पॉइंट से वायर निकाल के पुश बटन के एक टर्मिनल पे ले जाके ज्वाइंट कर देंगे, जो ऑफ पुश बटन है उसमें ले जाकर टाइट करेंगे। ऑफ पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से वायर निकालेंगे और उसको ले जाकर हम ऑन पुश बटन के एक टर्मिनल पे टाइट कर देंगे। इसमें ऑफ पुश बटन है जो रेड कलर का दिख रहा है वो ऑफ है, और जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो ऑन पुश बटन है। जब ऑन पुश बटन के एक टर्मिनल पे वायर टाइट हो गया है तो दूसरे टर्मिनल से एक वायर निकालेंगे और कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे ले जाकर टाइट कर देंगे। A1 टर्मिनल जो है वो क्वाइल का टर्मिनल है। कॉन्टेक्टर में A1 और A2 ये क्वाइल का टर्मिनल होता है। कॉन्टेक्टर के A1 पे तो हमने फेस वायर ला के जोड़ दिया है। MCB के आउटपुट से न्यूट्रल वायर उठा के लाएंगे और कॉन्टेक्टर के A2 पे हम जोड़ देंगे जो क्वाइल का टर्मिनल है। दोस्तों, कॉन्टेक्टर को तो हम न्यूट्रल और फेस सप्लाई दे दिए, अब इसको हम होल्ड करने के लिए कॉन्टेक्टर का NO पॉइंट का हम इस्तेमाल करेंगे जो 13 नंबर और 14 नंबर है। दोनों पुश बटन के बीच से एक वायर लेकर हम 14 नंबर टर्मिनल पे टाइट कर देंगे जो NO पॉइंट है, और कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल से एक वायर उठाएंगे और उसको लाकर हम 13 नंबर पे टाइट कर देंगे कॉन्टेक्टर के 13 नंबर पॉइंट पे जो NO पॉइंट है। अब हमारा DOL स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।